विश्व विख्यात ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधिवत रूप से की गई। नवरात्र के दूसरे दिन भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बारिश के फुहारों में भी दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं मंदिर अधिकारी अनिल कुमार सौंधी ने बताया है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सफाई लंगर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट पाए। जय माता दी। आज अश्विन मास का महामाई ज्वाला का दूसरा नवरात्रा चल रहा है। सफाई की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाई जा रही है। दवाइयों का भी विशेष प्रबंध किया गया है। लंगर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। और आज कहते थोड़ा मौसम भी आज थोड़ा बारिश का हो गया है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो हम वो कतारों में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरों द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महामाई का जो है सभी श्रद्धालुओं पर विशेष आशीर्वाद बना रहे और जो हमारे ये नवरात्रे हैं बड़ी सुख शांति से संपन्न हो। जय माता। जय माता। बता दें कि मंदिर में हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु बड़े शांति पूर्वक लाइनों में दर्शन कर रहे हैं और हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सीसीटीवी की मदद से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।